दो तीन चार बंदे था, पांच छह एक तारीख को सामने आकर के जमा किया है। जिस प्रखंड का सर बोला गया है उस प्रखंड का कम से कम 50 आवेदन अभी पड़ा हुआ इंडिविजुअल, हाँ, और नहीं गया हो उस बार ही हमसे झूठ बोलती है। इनसे नहीं समझता है सर, दूसरे को दिया जाए। सर सुना जाए, हम दो तीन माह में शॉर्टकट में इतना लंबा नहीं चलना है, सब काम ऊपर का सारा पेंडिंग है। हाँ, उसके बाद हम आपको एक महीना पहले बोले थे सर, हमारा डेढ़ महीना पहले से चौथा प्रखंड और बुगड़ी प्रखंड का सारा सर्विस बुक फिक्सेशन करके रखा हुआ चौक कर। हम आपको बोले थे कि एक एक दिन एक एक बीआरसी में भेज दीजिए, डीपीओ साहब को वहां बैठ करके साइन कर देंगे। हाँ, वो आज तक नहीं हुआ है। खगड़िया प्रखंड सुनिए सर, खगड़िया प्रखंड में 5 को 10 को करके सर्विस बुक होता है। बगल का समस्तीपुर जिला है, 20 प्रखंड का जिला है, वहाँ भी एक ही डीओ और वही 3 डीपीओ है। नहीं हुआ है, नहीं हुआ है सर। सिग्नेचर प्रखंड का काम बीओ का सिग्नेचर करके दो प्रखंड में रखा हुआ है, डीपीओ का नहीं हुआ, और बाकी 5 प्रखंड में बीओ का भी नहीं हुआ। पहुंचाने में यहाँ एक सब काम रहता है, ऑफिस में बैठे रहते हैं, सब लोग दौड़ते रहते हैं। मिल गया था, ठीक है, लेकिन काम एक भी नहीं हुआ। वो बोले थे कि जितने मृत शिक्षक हैं सबको 4 लाख रुपया दिया जा रहा है। अभी देखिए कब का है, दिखाइए। मरल वाला गांव शंभू जी हमारे कोऑर्डिनेटर एक डेथ कर गए थे तेतराबाद के, 1.5 साल हो गया। जी बोला जाए, फरवरी 2017 का मात्र जो है आपका वेतन का पैसा आता है ना, लेकिन उस
उसी में से हम लोग सर 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 अब अभी मान लीजिए कि इसमें से सभी को जितना मिलता आदमी है उसको दे देता है नहीं नहीं दिक्कत फरवरी का ये मामला है ना फरवरी 2017 अप्रैल में आपका डिमांड जाता है डिमांड जैसे आपका सैलरी का जाता है सैलरी मद से अगर आप सर सुना जाए ना सैलरी मद से अगर आप भुगतान कर दिए रहते 2017 में और अप्रैल में आप उसको अगर डिमांड कर देते बकाया सैलरी का तो इस 2018 में अभी तक 17 के लास्ट तक में आ जाता लेकिन हमको दिखाया जाए कि डिमांड कहाँ हुआ इंक्लूडिंग जाता है ना तो फिर आप भी क्या कहते हैं जितना वेतन के लिए घटेगा ना हम ठीक है हमको एक चीज बता दे दिया जाए सर अप्रैल 2017 का हमको डिमांड दिखाया जाए अप्रैल 2017 से लेकर के मार्च 2018 तक फाइनेंशियल ईयर का कितना मेरा सैलरी होता है तो फिक्स है लगभग 4 करोड़ रुपया महीना ऐसे से पौने 5 करोड़ 12-25-60 करोड़ और अप्रैल सर सुने सुना जाए मार्च 2017 से पहले जितना डेथ हुआ है उसका आप कहाँ डिमांड किया दिखाइए डेथ का सर डिमांड ही नहीं हुआ जीओबी से होता है जीओबी में डिमांड जीओबी से किया जाए वाला है उसको भी हम जीओबी से ही करेंगे ठीक है तो जीओबी में कहां डिमांड दिखाया जाए इतना तो हमें नहीं जाना है काम होना हां आप ऐसा करो भुगतान हो जाता है माने वेतन उसके बाद लाइट क्या आप ये और है सब कुछ गलत कहां अभी लेके इसके बाद ना सुने ना हम जो भाई इसके बाद तुम जो है सबका सूची बनाओ डेट के साथ ठीक है चीज नहीं होगा अब मान लीजिए कि अब जो आ रहा है उसको तिथि वाइज पिक एंड चूज नहीं करना है जिससे फिर आरोप लग जाए ना हमको सब जितना मिलता आदमी है उसका तिथि वाइज बना लो हमको जो है हमको अप्रूव कर दो उसको भुगतान कर दो वेतन के लिए घटेगा तो फिर हमने मन कर क्योंकि डायरेक्टर की चिट्ठी है हमको जो उसी में अकमल से भुगतान करना है अब कहाँ से है ना भाई ये कब कर दोगे सर आते हैं सर से क्या मतलब बनाऊंगा इसको सर कोच क्या सर हमको जितना है हम आपसे नहीं कंफर्म होना चाहते हमारे शिक्षक कह देंगे मेरा काम हो गया है मैं सर आपको टर्न भी नहीं करूंगा उसके चला जाऊंगा आपका सर वहां काम होगा हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हम नहीं जाएंगे गेट पर देखिए मनीष बाबू 3 साल से आपके जिला नहीं चला सर नहीं मेरे हमको अभी तक नहीं पहचाना गया इसलिए नहीं सर तो कोई दिक्कत नहीं हमको सर कोई प्रॉब्लम नहीं आपको कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है आप लोग एकदम मौज से अपना अपना सामान भी काम कीजिए हम लोग अपना यहाँ बैठे हाँ तो फिर ठीक है तो काम हो जाएगा हम एकदम उठ के चले जाए आपको हम कुछ कहने के लिए हम कोई समझौता नहीं इस पर कोई सुनना ही नहीं चाहते हमारा काम बारी बारी से होते जाएगा हमारे शिक्षक आगे कह देंगे मेरा एरियर कम्प्लीट हम बोल लेंगे चलो दो नंबर हो गया कह देंगे कि मेरा पेमेंट अभी जैसे बोले कि 1 महीना का आ गया अभी हमारा 3-3-4-4 महीना का जीओबी और एसएससी बचा हुआ है 2-2 महीना ठीक है हो जाएगा हम मान लेंगे 1 नंबर कम्प्लीट ये फिक्सेशन हो जाएगा सर्विस बुक जो मेरा अभी तक लिखा जा चुका है पीओ का जो साइन हो गया जी हाँ नहीं ठीक लगेगा तो आप ये पहले सोचना बिल्कुल एक चीज बताइए सर हम और का बात नहीं करते हम ये एक टीचर के लिए बात होती है हम उस आदमी को पहचानते भी नहीं हम घूमते घूमते दयानंद सरस्वती यहाँ मथुरापुर गए और मथुरापुर सर स्कूल गए हैं इधर हम
ज्ञानंद सरस्वती जाइए, जिला का गिना चुना स्कूल में से एक वो होगा। कोई अगर प्रधानाध्यापक बहुत अच्छा काम कर रहा है और थोड़ा सा एक दिन कोई चूक हो गया, वैसे शिक्षक को निलंबित करिएगा, उसको पुरस्कृत करने वाला काम करता है, जाके देखिए उसका स्कूल। हम उस आदमी को स्कूल पर गए तो हेडमास्टर थे भी नहीं, उसका निलंबित हो चुके थे। हम घुसते के साथ लगा के हम चमन में आ गए, तब हमको शिक्षक बताया कि तो सस्पेंड है, क्यों भाई इस मामले में? वाह, दो दिन लेट हो गया तो ये, और इतना काम क्यों, उनके लिए क्या पुरस्कार मिला उनको? कौन है वहाँ दयानंद में? हम पहचानते तक नहीं है, लेकिन स्कूल देखकर हम इतना इम्प्रेस हुए। अच्छा काम करने वाले को भी यही पुरस्कार है। सर, कानून अपने जगह और व्यवहार में कुछ अपना रखना चाहिए सब पर। नहीं, उस पर नहीं, बोलने देता है कि डीपीओ आ जाते हैं, वो
लंप करेंगे तब ना अपने पावर का हम यूज करेंगे। आगे बढ़िए सर, यही जो है मृतक शिक्षक, इसमें रसोईया है, चार लाख मिलना है, लेकिन इन सबको जो है नौकरी अनुकंपा पर नहीं, शिक्षक के अनुकंपा की जो बात है, चार लाख तो हो गया हमको दिए, अनुकंपा की बात है। आप जानते हैं कि सरकार ने कह दिया कि 31 मार्च 2019 के बाद मेरे यहाँ कोई अनटेन टीचर नहीं रहेगा, इसलिए केंद्र सरकार ने 2 साल का जो डीएड का कोर्स है उसको मात्र 18 महीना का इसलिए किसी भी टीचर का जो है अप्रशिक्षित टीचर को अब जो है हमको वो चिट्ठी चाहिए ना, वही जो सरकार से आपको निर्देश आई वो चिट्ठी, और आप अपना चिट्ठी निकालिए कि जो भी ट्रेंड किया हुआ उसका लड़का है, मृतक का पुत्र या आश्रित है, जो ट्रेनिंग किया हुआ है या कर लेगा आगे, हम कुछ और आगे हम कहे कि मेरा जो मान लीजिए टीचर में ट्रेंड है इसे क्लर्क में होगा, फोर्थ ग्रेड में तो होगा, तो हमको किसी ने कहा कि नहीं डीएम जो है, किसी ने कहा आप नहीं डीएम से आप जो है वापस कर देते हैं और कहते हैं कि टीचर के जो आश्रित है उसको पिछड़े में, तो हम कहें विधि तो कोई पढ़े होंगे या देखे होंगे तब कर रहे होंगे, वो हम गलत अधीन होगा ऐसा कि नहीं फोर्थ ग्रेड में और लिपिक में हो सकता है तो उसको भेजेंगे आप, हम देखे जहाँ तक होता है अपने आपके पास जो चिट्ठी है उसका तो प्रति हमको मिलना चाहिए ना, आपको जो निर्देश भुवनेश्वर को लेटर लिखा कि हमारे सबको जो है आश्रितों को अनुकंपा कर सशर्त नियुक्ति करने के लिए आदेश दिया जाए, इतना दिनों के अंदर कर ले, लेकिन उसका भी जवाब चिट्ठी हम आपको दे सकते हैं, हो गया। इसके बाद आइए रसोईया वाला हो गया ना, अनुका रसोईया को अनुकंपा लिया, अच्छा ओडीएल में ये चूंकि एसएसएस से होता है हमने बात किया, तो उन्होंने कहा कि सर एसएसएस से ओडीएल, ओडीएल के बाद जो संवर्धन होता है उसमें हम दे चुके सबको यदि कोई छूट गया है तो स्थापना से बात प्रशिक्षित वेतन प्रशिक्षित वेतन मान की बात हो रहा है, 14 महीना से हम लोगों का भी बंद है, काम भी हो चुका है, फिक्सेशन भी हो गया है, वेतन तो मिला है, फिक्सेशन हो गया है सर, अब वेतन शुरू हुआ प्रशिक्षित वाला नहीं नहीं दे रहा सर, वहाँ पे बीआरपी जो बनाते हैं भी अलौली का खास करके, और ये तो वहाँ पर कलर को डिपुट किया जाए सर बिल बनाने के लिए, और वो जब भी मांगा जाता है तो लेंदी प्रोसेस करता लगता है, वो हाकिम बन गए सर, उनका घरे पर ऑफिस चलता है अलौली का ऑफिसर के घर पर, आप सारा कागजात वहाँ चेक कीजिए सर, वहाँ पर जा करके की एडवाइस एक भी महीना वहाँ पर है सर ऑफिस में, एक भी महीना का ऑफिस में नहीं है एडवाइस, और फिक्सेशन सर हो चुका है, फिक्सेशन सर हो चुका है, फिक्सेशन होने के बाद वहाँ पर नहीं किया गया, वहाँ वहाँ जो आपका किरानी है उसको सस्पेंड कीजिए सर, सर किरानी है वहाँ लेखापाल है सर, लेखापाल जो है वहाँ सर उसको हटाया जाए, जो नहीं काम करते तो सारे प्राइवेट एजेंसी से लिया जाता है, वही आपके टीचर को देते हैं गुलाब भी करें सर, गुलाब करने के लिए ऑलरेडी तैयार है, बोला काम करेंगे और वहाँ पर उसको मिलेगा फल तब ना करेंगे सर, गुलाब का बात नहीं कहा, हमको पेमेंट सर 1 सप्ताह बाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट समय पर 1 सप्ताह बाद मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं, मगर हमको किराने द्वारा होना चाहिए, दवा भी बढ़ेगा सारा चीज होगा, हम सब हम सुधार आपको
आप नहीं जानते हैं कि हम क्या क्या माने खेलते हैं करते हैं। मैंने आपके कहने से विजया को लैपटॉप सीज किया, उसका पेन ड्राइव सीज किया, और मैंने डेरा पर रख दिया कि कौन कॉलोनी का बिल बनाएगा, क्योंकि हम कम समा नहीं है, हमको भी टेलीफोन आता है, कंप्लेन आता है, लेकिन एक भी आदमी तैयार नहीं हुआ। तैयार उसको कहिए इसको देने के, उसको कहते हैं तो वो कहता है अकेले हम हैं सर, अकेले है उसका सीज कर क्या हम भैया। मैंने ये प्रक्रिया करके देखा था, नहीं कोई तैयार था तो सर मान लिया जाएगा ठीक है, वो विद्यार्थी अगर नहीं रहेंगे क्या दूसरा कोई बिल नहीं बनाएगा क्या? राज्य में आगे अब बताइए कि जो 2019 तक को दिया हुआ है डेडलाइन और 2016 में जिसका हो गया है कोर्स कंप्लीट, उसका आज तक परीक्षा नहीं लिया गया है, 19 के बाद इन लोग की नौकरी ना जाएगी? ठीक है, वहाँ का बात आप उसको वहाँ पत्राचार कीजिए। इसके बाद आप मैंने आप जो लंबन हो रहे हैं उस पर सर हम नहीं लिखे जितना आवेदन भेजेगा जो भी है। देखिए सर हमको ये कोई मैटर नहीं है, जबरदस्ती डालते सुनिए ना, हमको इतना चीज के लिए, चलिए हम एक चीज मान लिए कि सरकार को आप पत्राचार कीजिए, वो पत्र हमको दीजिए 9 नंबर का, ठीक है 9 नंबर का, 8 नंबर का जो लोग कार है जिनका सर्विस बुक बाकी है, जैसे यही है एक तो सामने उदाहरण 18 सर्विस बुक सर हम एक सप्ताह एक महीना पहले सर खुलवा कर भेजे थे, आज तक नहीं चला सर, एम हम पास किए हैं दो बार, ऐसा सलाम जो बोल हो करा सी को बहुत ज्यादा काम है, बहुत व्यस्त है, पटना जाना वहां जाना, हां उनसे ये नहीं संभालने वाला है, इंडिविजुअल नहीं पीयूसी को, यहां जिला के लिए पीयूसी से नहीं संभालेगा, इनके जिला पर दूसरे को दिया बोलिए क्या
पंचायत सेवक किसी कारण से चेक रिटर्न कर दिया, रिटर्निंग का उसका सारा चीज है, यहाँ कहता है चेक हो गया और उस आदमी का 2015 से करियर बन गया वो पेमेंट करता है। अब उसका क्या कीजिए ना, एक महीना से टाइम देंगे हम, अब एक महीना तक हमको कुछ नहीं होगा। मैं यहाँ पर बैठा अभी सिर्फ और सिर्फ शिक्षा पूरा जिला से हम इंडिविजुअल मामला भी मंगवा रहे हैं। अगर राशि यहाँ है सबसे पहले ये काम होना चाहिए इंडिविजुअल। एक महीना का पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे सर, एक महीना का पेमेंट हम लोग नहीं लेंगे। अगर फरवरी तक होना है तो हम जब बढ़िया, लेकिन इंडिविजुअल किसी का 3 साल से, किसी का 11 महीना से, उसका बाप मर रहा है, हो गया सर। इसमें क्या काम खिंचाता है तब हम उठेंगे। आप बोले थे सर, हम घूस दे, आपको अनशन करना है, धरना करना है, आपको हम नहीं बुला रहे हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हुए। आपने कहा था कि आपको अनशन करना है, करिए, हम कुछ नहीं कर सकते। यस सर, ऐसा तो लैंग्वेज मेरा आप लोग को लगता है कि हम जो बोले थे, प्रदर्शन आपका अधिकार क्षेत्र में है, हम मना नहीं करेंगे इसके लिए, लेकिन ऐसे कहेंगे आपके कोऑर्डिनेटर थे, शिक्षक तो छोड़ दीजिए, विभाग तक काम करते करते दिन डीपीओ से 10 मिनट में कम हो जाएगा। हमको आश्वासन दे दिया है पीयूष, आपके हाथ में है, काम हो जाएगा, हाँ फिर हम लोग उठ जाएंगे। आपका दो है उसको समझ लो, ये विवाह कुमार समझ मिला है ना, सब खा दीजिए, सब अध्ययन कीजिए, आपका रिसीविंग है सब।
हमने सर 4 जनवरी को कहा था कि 10 जनवरी तक काम हो जाएगा, 9 जनवरी तक काम हो जाएगा। आज कितना तारीख है? 7 मार्च है। जब मेरा काम नहीं हुआ सही करे तुम, और हमारे बहुत सारे शिक्षक कहते हैं कि मनीष जी का अपना काम नहीं हुआ तो दूसरे का क्या करवाए? सही कह रहा है, बिल्कुल सही। हमको हम सब आप समझिए, हम सिर्फ इतना जानते हैं सर, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि गलत किया है कोई भी किया है, और अगर किया है तो 35 शिक्षक उस केस में है, 35 का निलंबन लेटर निकले, और मैं 13 महीने से पेमेंट के बिना मेरी स्थिति जो भी है ठीक है ABCD, लेकिन 13 महीना तक एक शिक्षक का रुकना और बिना कारण, ये DM से लेकर के सब तक आपके पास हम 3-3 बार लिखित रूप में दिए हैं, 3-3 4-4 पदाधिकारी उस पर जांच किए हैं, आपने ठोस कदम क्यों नहीं उठाया? और आप कहां लिखे हैं उनके खिलाफ? अगर प्रमुख गलत लिखे हैं, BTO गलत किए, आप कितना बार उनके खिलाफ आपको साबित हो? ये नियम नहीं है कि सिर्फ मुकदमा होना सस्पेंशन के लिए काफी है क्या? मुकदमा 1000 शिक्षक पर है, कितने पर सस्पेंशन की कार्रवाई हुई है बताइएगा? जब हम 3 महीना जेल में रहे तो सस्पेंड नहीं रहे, और 2-3 साल 4 साल के बाद हम सस्पेंड होते हैं उसी मामले में, और ये गलत होता हुआ हम मेरे पदाधिकारी देखते हैं। BTO को क्या पता है, प्रमुख को क्या पता है, प्रमुख कौन पढ़ाई पढ़ क्या है? हम आपके बात से सहमत है, इस बात को हम सीरियसली अभी जा रहे हैं सर के पास। आपको जो करना है सर कीजिए, आपको हम तंग नहीं करने चाहेंगे, आप निश्चिंत होकर काम कीजिए, नहीं टूटेगा। आप बोलिए, आज के बाद स्टेप बाय स्टेप अभी काम नहीं, आपके 5 मार्च में खत्म होगा। रोज रोज समय होता है, ये सारा है, और हम सारे पूरे जिले में हम खबर करवाए हैं, ऐसा ऐसा इंडिविजुअल पेंडिंग मामला सारा आ रहा है, उसको भी देख लीजिएगा, फिर हम लोग बात करेंगे। आप हम नहीं करेंगे, हमारे सम्माननीय आपसे काम में भरोसा रखिए, हम भी काम में भरोसा, सर सर काम कीजिए ना, आश्वासन में भरोसा हम नहीं रखेंगे, बहुत आश्वासन, कोई दिक्कत नहीं है सर। 2012 के बाद हम बैठे, 2 दिन के बाद बैठे, इस बार डरी नहीं है, आज काम होगा तब उठे, कल से डरी नहीं बिछेगा, ठीक है, होगा तो हम अपने दिमाग, ठीक ठीक है सर, काम कर दीजिए ना, हम लोग जिला का सर समस्या है, त्राइमाम है लोग सर, काम देखा जाए ना आपके, और इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।